दोस्तों कैसा होगा अगर आपके कपड़े ही आपके फोन को रिचार्ज कर दे, बैटरी उठाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। फैशन डिजाइनर आपकी इसी समस्या का हल निकालने में लगे हैं और इसमें मदद कर रही हैं वेयरेबल मशीनें। 1941 में जर्मनी के कॉनराड सूजे ने बाइनरी सिस्टम पर काम करने वाला पहला कंप्यूटर JD3 बनाया। तब यह कपड़ों की 3 अलमारियों जितना बड़ा था और केवल 4 तरह की गणनाएं कर सकता था। आज ऐसे मिनी कंप्यूटर बन चुके हैं जो कपड़ों तक में फिट हो सकते हैं और फ्यूचर वियरेबल डिवाइस यानी पहने जाने वाली मशीनों की ओर बढ़ रहा है। जैसे टेक फैशन डिजाइनर लीना वासोंग ने एक ड्रेस बनाई है जिसमें कंप्यूटर छुपा है। वह कंप्यूटर की एक LED डिस्प्ले को संचालित करता है और उसकी वजह से कपड़ा पहनने वाली लड़की की दिल की धड़कन के हिसाब से ड्रेस रंग बदलती है। सेंसर नमज के कम्युनिकेशन को रजिस्टर करते हैं। ड्रेस में शिला एक केबल उसे एक माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाता है और अंत में वह डिस्प्ले तक सिग्नल सेंड करता है। बर्लिन की लीना वासोंग बताती हैं कि हमारी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से सारा समय काम करती रहती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर नहीं सोचते कि वे किस तरह काम करते हैं। इंटेलिजेंट ड्रेस का आधार यही है। नीदरलैंड्स के बोर आकरडिक्स भी एक इंटेलिजेंट ड्रेस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक हाई टेक ओवरऑल बनाया है। उसे पहनने वाला जीता जागता वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाता है। इसी तरह से डिजाइनर फाउलिन फोन डोगेन ने सोलर सेल वाली एक ड्रेस बनाई है। उसके बिजली की मदद से स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज की जा सकती है। इस फैशन लाइन का नाम है वियरेबल सोलर। फाउलिन फोन डोगेन कहती है, मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों के लिए इस तरह के फैशन दूर का ढोल है। हमें उन्हें दिखाना होगा कि इसकी पावर क्या है और इसका उनके लिए क्या मायने हो सकते हैं। जब कंप्यूटर या सेल फोन बाजार में आया था तो बहुत से लोगों को पता नहीं था कि इसका हमारी जिंदगी में क्या अर्थ होगा और अब तो हम बिना किसी मोबाइल फोन के रह ही नहीं सकते हैं। डिजिटल इनोवेशन की एक्सपर्ट अग्नि एस्का वालो सर्क का कहती है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का साथी बन चुकी है और हमें इसका एहसास तक नहीं है। इसमें उनके डिजाइन का भी अहम रोल है। पिछले दशकों में कंप्यूटर न सिर्फ छोटे और आसान होते गए बल्कि रंग बिरंगे भी। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने 90 के दशक में अपने चॉकलेटी केस के साथ नए मानक बनाए और कंप्यूटर को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तथा स्टेटस सिंबल बना दिया। इसी तरह से आईफोन और आईपैड के साथ एप्पल ने इंसान और मशीनों के बीच इंटरेक्शन में एक क्रांति ला दी। अब मशीनें इंसान की इच्छाओं के आधार पर चलेगी। वालो सरकार बताती है, फिलहाल हमें इन मशीनों के साथ पेश आना सीखना पड़ता है और अब हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम कहीं टाइप करें, क्लिक करें। अब हमारी आदत होती जा रही है कि हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए बस इशारे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली, कुछ ज्ञान मिला तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वो तभी मिलेंगे जब आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।